नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त ही राजीव आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। दोस्तों, आक के पौधे के बारे में कौन नहीं जानता। गांव में इसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर आक के पौधे का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाला यह पौधा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके फूल और पत्तियों का इस्तेमाल अस्थमा, डायबिटीज, कुष्ठ रोग और बवासीर जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है। मदार, अर्क या अकोवा के नाम से जो पहचानने वाले इस पौधे से और भी स्किन में एलर्जी या खुजली जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है। विषैला होने के बावजूद भी इस पौधे में कई औषधीय गुण पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह इस पौधे के फूल और पत्ते का इस्तेमाल से बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो इसके फूलों को सुखाकर रोजाना इसका चूर्ण खाने से अस्थमा, फेफड़ों के रोग और शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। स्किन में एलर्जी या रूखेपन के कारण खुजली की समस्या हो जाती है, इससे छुटकारा पाने के लिए इसकी जड़ को जला लें। इसकी राख को कड़वे तेल में मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं, खुजली की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो रोजाना सुबह इस पौधे की पत्तियों को पैर के नीचे रखकर जुराबे डाल लें। रात को सोने से पहले इस पत्ते को निकाल दें। इसका इस्तेमाल आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कुष्ठ रोग की समस्या होने पर इसकी पत्तियों को पीसकर सरसों के तेल में मिक्स करें। इसे कुष्ठ रोग के घावों पर लगाएं। इसका नियमित रूप से प्रयोग करने पर लगाने पर घाव जल्दी भर जाएंगे। अगर बवासीर की समस्या है तो आक का पत्ता और डंठल को पानी में भिगो दें और इसको पीने से बवासीर की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर कहीं शरीर पर चोट लग गई हो तो शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगने पर आग के पत्तों को गर्म करके बांध लें। इससे चोट से खून बहना बंद हो जाएगा और साथ ही दर्द और सूजन से भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आग के पौधे के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके जिन्हें इसकी जरूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।